हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी कि आज से हम क्या करने जा रहे हैं, अकाउंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक्स के बारे में। क्योंकि जब तक हमें बेसिक्स नहीं पता होगा तब तक हम क्या नहीं कर सकते, आगे का नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अब बेसिक्स की बात करेंगे। बेसिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इतिहास। क्योंकि जब तक हमें अकाउंट जो अकाउंटेंसी है उसका इतिहास के बारे में हमें नहीं पता होगा, तो हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि इसकी स्थापना किसने की थी, क्यों की थी और कब की थी। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इतिहास की। फ्रेंड्स, इतिहास में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो लेखा शास्त्र है उसकी स्थापना 15वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। 15वीं शताब्दी के अंत में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, लुकास पेसियोली ने की थी, जो कि क्या था, एक गणितज्ञ था। और इसने जो स्थापना की थी वो किसके माध्यम से की थी, उसने उसकी जो लेखा शास्त्र है उसकी स्थापना पुस्तक डी कंपेसेट स्क्रिचर्स के नाम से की थी। उसने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक डी कंपेसेट स्क्रिचर, जो कि किस में लिखी थी, लैटिन लैंग्वेज में लिखी थी। लैटिन लैंग्वेज में क्या किया था, उसने एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी, 1494 में। 1494 में उसने क्या किया था, पुस्तक डी कंपेसेट स्क्रिचर्स नामक एक क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, जो कि किसमें लिखी थी, लैटिन लैंग्वेज में लिखी थी। उसने उसको क्या कर दिया, लैटिन लैंग्वेज में लिख दिया। लेकिन सन 1543 में हूज ओल्ड कैसिल ने क्या किया, फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्योंकि जो जो लुकास पेसियोली था वो किस जो लैटिन लैंग्वेज में, तो उसको क्या कर दिया था, पुस्तक को लिख दिया था। लेकिन अब अंग्रेजी में भी तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और ट्रांसलेट वो कौन कर सकता है, जिसको लैटिन लैंग्वेज भी आती हो, जिसको अंग्रेजी लैंग्वेज भी आती हो, वही तो क्या कर सकता है, उसका ट्रांसलेट कर पाएगा। तो हूज ओल्ड कैसिल है वो क्या था, उसको लैटिन लैंग्वेज भी आती थी और अंग्रेजी लैंग्वेज भी आती थी। तो उसने फिर क्या किया, उस लैटिन लैंग्वेज का क्या कर दिया, ट्रांसलेट करके उसको अंग्रेजी लैंग्वेज में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और कब किया था, 1543 में। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, 1795 में, सन 1795 में एडवर्ड जोन नामक एक क्या था, गणितज्ञ था। उसने क्या किया, फिर अंग्रेजी प्रणाली पुस्तक के नाम से एक पुस्तक लिख दी। उसने भी कब लिखी, 1795 में। किसने लिखी, एडवर्ड जोन ने। तो फ्रेंड्स, इन जो ये बातें मैंने बताई है, जो ये सन्स मैंने बताई है, इनको एक बार फिर से रिवाइज ज़रूर कर लेना। क्योंकि सन है वो ऐसे याद नहीं रहेगी, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो क्या नहीं रहेगी, आपकी याद नहीं रहेगी। तो जो जो मैंने दिखा रखा है स्क्रीन पर, इनका आप क्या कर ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और बुक्स में अपनी नोटबुक बना लेना और उसके अंदर क्या कर लेना, इसको नोट कर लेना। फिर हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में क्या होता था, कि जो एक बेबीलोनिया नामक था उसको क्या माना जाता था, वाणिज्य नगरी माना जाता था। प्राचीन काल में बेबीलोनिया को क्या माना जाता था, वाणिज्य नगरी माना जाता था। फिर हम बात करते हैं जो लेखांकन के सिद्धांतों की। फ्रेंड्स, लेखांकन के जो सिद्धांत है ना, उसका प्रतिपादन करने वाला कौन था, ये भी क्वेश्चन है, वो काफ़ी जो वैकेंसीज है उनमें पूछा गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं इसके अंदर कि लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया, जो पुस्तक थी लैटिन भाषा में उसका ट्रांसलेट अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया और कब किया, जो लेखा शास्त्र है उसके जनक कौन है, जन्मदाता कौन है, कब लेखा शास्त्र की स्थापना हुई, क्वेश्चन ऐसे क्या पूछे जाएंगे, आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इतिहास में से जो क्वेश्चन बनेगा ना, इसी में से बनेगा, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता।
तो फ्रेंड्स याद रख लेना, जो लेखांकन के जो सिद्धांत है ना, उसका प्रतिपादन करने वाला कौन था? रॉबर्ट आउट मारिस मोनी ट्रंप था। फिर हम बात करते हैं लेखांकन के, लेखाशास्त्र और लेखांकन के बारे में, कि लेखाशास्त्र क्या होता है और लेखांकन क्या होता है। फ्रेंड्स लेखाशास्त्र के तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लेखा करने के लिए जो बनाए गए जो शास्त्र है ना, वही क्या कहलाते हैं? लेखाशास्त्र कहलाते हैं। क्योंकि यदि लेखाशास्त्र को अलग अलग भाग में यदि इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, लेखा प्लस शास्त्र, लेखा करने के लिए जो शास्त्र बनाए जाते हैं वो क्या बोलते हैं? लेखाशास्त्र होते हैं। जैसे इसके अंदर जैसे अपन क्या करते हैं, अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, तो अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं तो ऐसे तो नहीं बनाते, उसके कुछ ना कुछ तो नियम वगैरह सिद्धांत वगैरह कुछ तो होंगे। क्योंकि ऐसे ही बनाने लग गए तो फिर तो हर कोई उसको क्या करने लग जाएगा, बनाने लग जाएगा, रूल्स भी फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए जो उनको बनाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, चाहे वो एक कंपनी बनाए चाहे वो दूसरी कंपनी बनाए, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि अकाउंट्स बनाएगा ना, तो केवल वो क्या करेगा? उन्हीं रूल्स को फॉलो करेगा, उन्हीं नियम्स को फॉलो करेगा, उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करेगा, जिससे कि हम क्या कर पाएंगे, उन अलग अलग कंपनियों के जो अकाउंट्स हैं उनका हम क्या कर पाएंगे? कंपैरिजन भी कर पाएंगे। तो इसी वजह से उनमें कंपैरिजन किया जा सके, उनको अच्छे से बनाया जा सके, इसलिए क्या किए जाते हैं? सबसे पहले नियम से सिद्धांत बनाए जाते हैं, जिनके आधार पर ही क्या किए जाते हैं? अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फिर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं लेखांकन की, कि लेखांकन क्या होता है। फ्रेंड्स लेखांकन है वो एक प्रकार से क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। यदि इसको इंग्लिश में देखें तो लेखांकन को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है अकाउंटिंग, ING लग गए अकाउंट्स के, तो हमें पता चल गया है कि ये क्या एक प्रक्रिया है। तो ये क्या हो गई? एक प्रक्रिया हो गई। क्योंकि नियम्स को फॉलो कर कर जो हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, जो अकाउंट्स बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। क्योंकि एक अकाउंट्स बनाने की ये क्या एक प्रक्रिया है, जो अकाउंट्स बनाते हैं ना वही क्या होता है? उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। लेखांकन भी फ्रेंड्स हर किसी के नहीं बने जाते। इसके अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले जो मौद्रिक जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो मौद्रिक लेन देन होते हैं, उन्हीं की क्या की जाती है? पहले पहचान की जाती है, पहचान करने के बाद ही क्या किया जाता है? उनकी प्रविष्टि की जाती है, उनको अकाउंट्स में दर्ज किया जाता है उसी के बाद। क्योंकि सबसे पहले क्या किया जाएगा? जो मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शन है, मौद्रिक जो लेन देन है, उनकी हम क्या कर लेंगे? पहचान कर लेंगे। पहचान करने के बाद में उन्हीं का हम क्या करेंगे? अकाउंट्स में उनको क्या करेंगे? दर्ज करेंगे। ये हो गया लेखांकन। अब हम बात करते हैं पुष्पालन की। फ्रेंड्स पुष्पालन क्या होता है, इसके बारे में भी हम क्या करते हैं? अब डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स पुष्पालन है ना, इसी के नाम से इसको भी हम समझ सकते हैं। इसको यदि हम दो भागों में यदि डिस्ट्रीब्यूट कर यदि पढ़ें तो पुष्त प्लस पालन होता है, राइट? तो इसके नाम से हम पता कर सकते हैं कि पुस्तकों का पालन करने वाला, मतलब जो हमने बुक्स बनाई है उसका पालन करने वाला होता है ना, हिसाब किताब देखने वाला ही क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाती है। इसके अंदर फ्रेंड्स सामान्यतः दो पुस्तकें आती है, कौन सी? जो जर्नल है ना, जर्नल बनाते हैं वो क्या आती है? पुष्पालन में आती है। जो सब्सिडी बुक्स बनाते हैं वो भी क्या आती है? इसी में आती है, पुष्पालन में। और जो हम लेजर बनाते हैं वो भी क्या आती है? इसी में आती है। तो जर्नल, सब्सिडी बुक्स और जो लेजर है, खाता बही है, उन सभी को क्या किया जाता है? पुष्पालन में ही सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि ये क्या है? सामान्य प्रक्रिया जो लेखांकन करने से जो पहले की जाती है, जो आंकड़ों का पहचान की जाती है, फिर उनको क्या किया जाता है? प्रविष्टि में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? पुष्पालन कहलाती है। फ्रेंड्स ये लेखांकन से पहले की एक क्या प्रक्रिया है यार। चलो हम क्या समझ गए? पुष्पालन भी समझ गए। अब
जो लेखा शास्त्र की डेफिनेशन है वो हमने मैंने आपको बताई दी, लेखांकन का अर्थ भी बता दिया, बची क्या विशेषता और उद्देश्य। चलो फ्रेंड्स, फिर हम अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं एवं उद्देश्य की। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की इसकी विशेषताएं क्या होती है लेखांकन की। सीधी सी बात है, जब हम लेखांकन करेंगे तो ऐसा तो है नहीं उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं नहीं हो, तो विशेषताएं तो हर किसी की होती है। तो इसलिए लेखांकन की क्या विशेषताएं होती है वो देखते हैं। इसकी चार विशेषताएं मुख्य रूप से गुणात्मक रूप से माना जाता है। कौन कौन सी? पहली प्रासंगिकता, दूसरी बोधगम्यता, तीसरी तुलनीयता और चौथी होती है विश्वसनीयता। अब इनका अर्थ क्या होता है? वैसे यदि हम पहली बार इन वर्ड्स को यदि देखें ना, तो प्रासंगिकता और बोधगम्यता ना, इनका अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन तुलनीयता और विश्वसनीयता इनके तो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या होती है। चलो फिर हम देखते हैं प्रासंगिकता क्या होती है। प्रासंगिकता फ्रेंड्स एक प्रकार से इसमें क्या होता है कि लेखांकन इस प्रकार से किया जाता है जो कि क्या हो, व्यवसाय जो हमारा जो बिजनेस है उससे संबंधित होनी चाहिए, उन्हीं का क्या करना है हमें लेखांकन करना है, अकाउंट्स बनाने हैं, तो वो किस में आएंगे? प्रासंगिकता में। दूसरा बोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब क्या हुआ? बोधगम्यता का मतलब हुआ कि जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, जो हम लेखांकन कर रहे हैं, वो किन चीज़ों का करना है वो तो ठीक है, लेकिन किस प्रकार से करना है जिससे कि अगले व्यक्ति को क्या आ सके, समझ में आ सके, तो इस प्रकार का हमें क्या करना चाहिए? लेखांकन करना चाहिए जिससे कि वो क्या अगले व्यक्ति को क्या हो सके, समझ में आ सके। तो बोधगम्यता का मतलब ये हो गया। तीसरा आता है तुलनीयता। तो इस तुलनीयता का मतलब होता है लेखांकन वो इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि हम उसका क्या कर सकें, अन्य अकाउंट से क्या कर सकें, उसका कंपैरिजन कर सकें, तुलना कर सकें, तो इसलिए ये विशेषता भी क्या होती है लेखांकन में होती है। फिर चौथा आता है विश्वसनीयता का। विश्वसनीयता का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अकाउंट्स है ना, लेखांकन है ना, वो इस प्रकार के होने चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकें, उन पर विश्वास कर सकें, बिना विश्वास किए हम क्या नहीं कर सकते, लेखांकन नहीं कर सकते, तो इसलिए इस प्रकार के होने चाहिए जिस पर हम क्या कर सकें, विश्वास कर सकें, जिन पर हम क्या कर सकें, विश्वास कर सकें। देखो फ्रेंड्स, ये रहे लेखांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होगी। प्रासंगिकता होगी, प्रासंगिकता मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होती है, जिन पर क्या हो सके, जो क्या हो व्यवसाय से संबंधित हो। दूसरा बोधगम्यता, जो इस प्रकार के होने चाहिए जो कि क्या आ सके, समझ में आ सके। तीसरा तुलनीयता। तुलनीयता का मतलब ये है कि हम उसकी कंपैरिजन किसी और से भी कर सकें, ऐसे अकाउंट्स होने चाहिए। विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि ऐसे अकाउंट्स होने चाहिए जिस पर हम क्या कर सकें, विश्वास कर सकें। फ्रेंड्स, ये हो गई इसकी विशेषता। अब हम बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की। सीधी सी बात है, उद्देश्य तो कौन से होंगे, हम क्यों बनाते हैं अकाउंट्स, अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? एक तो किस लिए बनाते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जो बिजनेस का जो आर्थिक स्थिति है कि वो लाभ में चल रही है लॉस में चल रही है, इसका पता करने के लिए भी तो बनाते हैं। हाँ बनाते हैं। अब अकाउंट्स इसलिए भी तो बनाते हैं जिससे कि उस जो हमारे जो आंकड़े हैं उनका हमें पता चल सके कि हमारे कौन से आंकड़े कहाँ पे है, कौन से आंकड़े क्या है, कितना शेष है, किस चीज़ का कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो उन सब का भी पता करने के लिए जो सूचनाएं हैं वो जो उसके उपयोग करते हैं, जो उन अकाउंट्स का उपयोग करके उसमें व्यवसाय में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी क्या होते हैं वो यूज़फुल होंगे, तो इसलिए भी बनाते हैं। फिर हम इसलिए भी बनाते हैं जिससे कि हमें क्या करना है, टैक्स देना है, तो टैक्स देने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारी इनकम का पता होना चाहिए। और इनकम का पता कैसे होगा, जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तो उसी समय में क्या पता चलेगा, प्रॉफिट्स का पता चलेगा, तो इस आधार पे टैक्स की पेमेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे देखो लाभ हानि, इसमें देखो पहला मैंने बताया आपको लाभ हानि की गणना के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ये हो गया। दूसरा आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए बनाए जाते हैं, ये भी हो गया। तीसरा कर निदान हेतु भी किए जाते हैं, ये भी हो गया। फिर हम बात करते हैं अगले की। अगला कौन सा आता है? अगला आता है उपयोग
जो उपयोग करते हैं उसको, मतलब जो अकाउंट्स जो हमने बनाए, जो हमारे कंपनी के जो अकाउंट्स है, उनको अन्य व्यक्ति क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उनको देखते हैं, उनको देखने के बाद में क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो उपयोग करते हैं ना उन अकाउंट्स का, तो उनके लिए भी हम बनाते हैं। जो प्रभारी नियंत्रण के लिए, प्रभारी नियंत्रण तो सबसे मुख्य होता ही होता है, क्योंकि जब तक हम अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है। और जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि बिजनेस में चल क्या रहा है, तो कौन क्या कर रहा है, तो इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हम प्रभारी नियंत्रण के लिए भी क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। फिर हमने फ्रेंड्स आपको देखो शुरू से देखते हैं इतिहास के, ये इतिहास मैंने आपको बता ही दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैंने लेखांकन का अर्थ बता ही दिया। लेखांकन का अर्थ क्या होता है, ये क्या एक लेखे रखने का शास्त्र है, निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको। फिर लेखांकन के अर्थ बता ही दिया कि ये लेखांकन क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है और मौद्रिक लेन देन होते हैं इसमें, ये भी मैंने बता दिया। इसकी विशेषताएं मैंने बताई दी, प्रासंगिकता, बोधगम्यता, तुलनीयता और विश्वसनीयता, ये चार विशेषताएं होती है, वो भी कौन सी, गुणात्मक, तो ये भी बता दिया मैंने। इसके उद्देश्य भी मैंने बता दिए फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उद्देश्य के बाद में पुष्पालन का अर्थ की बात की थी हमने। पुष्पालन का अर्थ मैंने बताई दिया कि पुष्प प्लस पालन होता है, जो कि क्या होता है, कि हिसाब किताब की पुस्तकें रखने के लिए होता है, जिसमें कि कौन कौन सी पुस्तकें होती है, जर्नल, साहिक बहियाँ, और द्वितीय पुस्तक कौन सी होती है, खाता बही, जिसको कौन सी पुस्तक माना जाता है, प्रधान पुस्तक भी माना जाता है खाता बही को, याद रखना। क्वेश्चन बनता है ये कि खाता बही जो मतलब क्वेश्चन आएगा कि इनमें से निम्नलिखित में से प्रधान पुस्तक कौन सी है, तो खाता बही वो कौन सी पुस्तक होती है, प्रधान पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया पुष्पालन और बुक कीपिंग में अंतर। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं, पुष्पालन और बुक कीपिंग में अंतर मैंने वैसे तो बता दिया था, इसका दोनों का अर्थ बताकर बता दिया था कि जो बुक कीपिंग है वो क्या की जाती है, अकाउंटिंग से पहले की जाती है। तो देख लेते हैं, बुक कीपिंग प्रथम सीढ़ी है, अकाउंटिंग दूसरी सीढ़ी है। बुक कीपिंग होती है वो सामान्य पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है ना, वो भी क्या कर सकता है, इसको कर सकते हैं। और लेकिन जो अकाउंटिंग है उसको करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। बुक कीपिंग है वो रूटीन कार्य होता है, मतलब वो चलता रहता है, हमारे दिनचर्या में ही आता है वो। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले उसका विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करने के बाद ही क्या की जाती है, आगे अकाउंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये स्रोत प्रलेख होता है और ये क्या होता है, पुष्पालन की सहायता होती है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब सबसे मेन पॉइंट आता है हमारा लेखांकन की अवधारणाओं का। सबसे मेन पॉइंट आता है लेखांकन की अवधारणाओं का, कि लेखांकन की अवधारणाएं क्या होती है। फ्रेंड्स, अवधारणाएं और संकल्पनाएं ये दोनों तो क्या होती है, सेम होती है, जबकि परंपराएं होती है ना वो क्या होती है, अलग होती है। हमने 11th में पढ़ा था कि जो अवधारणाएं, संकल्पनाएं और परंपराएं तीनों को क्या माना गया था, उस टाइम पे एक माना गया था। लेकिन फ्रेंड्स, ये क्या नहीं होती, एक नहीं होती, अवधारणाएं अलग होती है और परंपराएं अलग होती है। अवधारणाओं में 10 अवधारणाएं बताई गई है और परंपराओं में चार परंपराएं बताई गई है। ये मैंने आपको बता ही दिया था ये किस काम आती है, सीधी सी बात है, ये क्या एक नियम, रीति और विधियां हैं, जो कि किस काम आती है, लेखांकन के कार्य में क्या आती है, काम आती है। जब हम लेखांकन करते हैं तो इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, लेखांकन करते हैं, इन्हीं को फॉलो कर कर हमें अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, क्रम वाइज इनको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है अवधारणाओं में पृथक अस्तित्व की अवधारणा, इसको फ्रेंड्स सत्ता की अवधारणा भी कहा जाता है। इसके नाम से हमें क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि पृथक अस्तित्व है। पृथक अस्तित्व का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग अस्तित्व होना, जैसे कंपनी है और उसके जो है शेयर होल्डर्स हैं,
तो इसमें बताया गया कि उन दोनों का क्या है, अलग अलग अस्तित्व है, कंपनी का अलग अस्तित्व है और जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या है, अलग अस्तित्व है। कहने का मतलब ये है कि जो उसका जो अंशधारी है ना, उसके जो स्वयं की जो व्यक्तिगत जो संपत्ति है ना, वो क्या नहीं होती, कंपनी की एसेट्स नहीं कहलाती। तो इसका मतलब ये माना गया जो कंपनी और जो पर्सन, कंपनी और जो पर्सन है ना, वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो दोनों क्या नहीं होते, एक नहीं होते, वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये होता है दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग अधिकार माने जाते हैं। तो ये हो गया पृथक अस्तित्व की अवधारणा। अब बात करते हैं सेकंड, मुद्रा मापन की अवधारणा। मुद्रा मापन की अवधारणा क्या कहती है फ्रेंड्स, इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है, मुद्रा मापन, मुद्रा का मापन, मतलब जिस असेट्स या संपत्ति का हम क्या कर सकें, मुद्रा में कन्वर्ट कर सकें, मुद्रा में मापी जा सके, वो क्या कहलाती है, मुद्रा का मापन। इस अवधारणा में केवल उन्हीं को सम्मिलित किया जाता है जो केवल किस में कन्वर्ट की जा सके, मुद्रा से संबंधित हो, मुद्रा में कन्वर्ट की जा सके, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मुद्रा मापन अवधारणा कहते हैं। फिर थर्ड आती है लागत अवधारणा। लागत अवधारणा में क्या होता है, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि लागत, कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट में ये माना जाता है कि जो फिक्स एसेट्स होती है ना, उनको क्या किया जाता है, उनके लागत मूल्य पर उनको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। जब हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो उनके अंदर जो फिक्स एसेट्स होती है उनको उनके लागत मूल्य पर दर्ज किया जाता है, तो वही क्या कहती है, ये लागत अवधारणा कहती है। लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये लागत कौन सी है, लागत मूल्य कौन सा होगा। लागत मूल्य फ्रेंड्स वो होगा जब हमने कोई असेट्स है, सपोज करो हमने कोई असेट्स खरीदी, असेट्स हमने क्या की, खरीदी। अब उस असेट्स को हमने क्या किया, ये हमारी कंपनी है, असेट्स को खरीद लिया यहाँ से, अब कंपनी में ले जा रहे हैं। तो यहाँ जो हमने खरीदा है, इसको खरीदने के बाद में इसको यहाँ कंपनी में स्थापित करने तक जो एक्सपेंसेस हो गए ना, जो भी एक्सपेंसेस हो गए, वो सब की सब क्या कहलाएंगी, लागत में उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, उनका सभी का टोटल योग क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगी। और वो उसी मूल्य पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उस संपत्ति को, उस एसेट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कि लागत अवधारणा के आधार पर क्या किया जाता है, जो फिक्स एसेट्स हैं उनको क्या किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे दर्ज किया जाता है। ये क्या कहती है, लागत अवधारणा। अब बात करते हैं फोर्थ की, द्विपक्ष अवधारणा, डबल एंट्री कंसेप्ट। ये डबल एंट्री कंसेप्ट क्या होती है, इसमें फ्रेंड्स ये बताया गया है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन मान लो, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये कहती है कि उसके क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक तो डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। फ्रेंड्स कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि DR और CR है, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, DR की फुल फॉर्म क्या होती है और CR की फुल फॉर्म क्या होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि DR को क्या कहते हैं और CR को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड और CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। तो इसमें कहा गया कि द्विपक्ष अवधारणा है ना, उसके अंदर बताया गया कि जो जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनके क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट है। इसकी एक समीकरण भी दी गई है, जो समीकरण है असेट्स, इसकी समीकरण देख लेते हैं, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इसकी क्या है, समीकरण है, लेखांकन समीकरण दी गई है, जिसको हम इससे करते हैं शो। इसका कहने का मतलब ये है कि जो लायबिलिटी और जो कैपिटल है ना, उन दोनों का योग क्या कहलाता है, असेट्स कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम आपको दिखाएंगे कि इनकी डिटेल्स जो मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं उनको मैं एक बार शो भी कर दूंगा, एक बार फिर से रिवाइज भी हम कर लेंगे। लेकिन अभी शॉर्टली हम क्या कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। जब तक हमें शॉर्टली इनके अर्थ का नहीं पता होगा, तब तक आगे का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, पहले शॉर्ट रूप में इनको समझ लेते हैं नंबर वाइज से, फिर हम इनकी डिटेल्स से क्या कर लेंगे, आगे चर्चा कर लेंगे। द्विपक्ष अवधारणा में क्या बता दिया मैंने,
द्विपक्ष का मतलब ये मान लेना, इसके नाम से पता चल रहा है कि दो पक्ष होते हैं, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट, किसके प्रत्येक ट्रांजैक्शन के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चालू अवधारणा। जो चालू अवधारणा को निरंतरता की अवधारणा भी बोला जाता है फ्रेंड्स। ये एक, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगा। एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं फ्रेंड्स। ये मानो, जैसे आप ही मानो, आप एक व्यक्ति हो, आपने क्या एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो बिजनेस है, वो आप क्या मानकर चलोगे कि एक साल में बंद हो जाएगा, या ये मान के चलोगे कि दो साल में बंद हो जाएगा। कभी भी जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अब हम क्या सोचकर चलते हैं कि ये बिजनेस कब तक चलेगा। कोई भी जो बिजनेस मैन होता है वो कभी भी ये सोचकर नहीं चलता कि बिजनेस हमारा कब तक चलेगा, वो यही सोचकर चलता है, यही मानकर चलता है कि हमारा बिजनेस है वो क्या चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। उसकी जो अवधि है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, इसी को आधार मानकर क्या किया जाता है कि हमारा बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा। तो इसी को आधार मानकर जो फिक्स एसेट्स होती हैं उनको परचेज किया जाता है, न कि रेंट पे लिया जाता है। वरना यदि हमें ये पता चल जाता कि यदि बिजनेस हमारा एक ईयर ही चलेगा, या दो ईयर चलेगा, दो वर्ष, तीन वर्ष ऐसे ही चलेगा, यदि हमें पहले से क्या हो जाता, निश्चित हो जाता, तो हम क्या नहीं करते, फिक्स एसेट्स को खरीदते नहीं, बल्कि उनको क्या करते, रेंट पर लेते। क्योंकि सीधी सी बात है, अब हम खरीद कर इतना पैसा उसमें लगाया है, इससे अच्छा हम क्या करते, उसको फिर रेंट पर लेते, उसको यूज कर कर हम क्या कर देते, उसको वापस लौटा देते। तो इसलिए हम ये मानकर चलते हैं, ये अवधारणा है वो केवल यही बताती है कि जो भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना, वो यह मानकर किया जाता है कि वो क्या चलेगा, अनिश्चित समय काल के लिए चलेगा। इसलिए इस कंसेप्ट को बनाया गया। ये भी कंसेप्ट समझ लिए हम। अब हम अगली कंसेप्ट को समझते हैं, लेखांकन अवधि अवधारणा। अवधि, टाइम पीरियड। अब फ्रेंड्स, हमें जब तक हमारी कोई अवधि निर्धारित नहीं की जाएगी कि इतने वर्ष में आपको क्या करना होगा, अकाउंट्स बंद करने होंगे, आपको इतने अकाउंट्स के लिए, इतने टाइम के लिए क्या बनाने होंगे, अकाउंट्स बनाने होंगे, यदि ये निर्धारित नहीं किया जाएगा तो फ्रेंड्स बिजनेस मैन है वो क्या नहीं करेंगे, अपने तो अकाउंट्स बनाएंगे, दो दो तीन तीन साल तक क्या नहीं बनाएंगे, अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। और जब तक दो तीन साल तक यदि अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो उन दो तीन साल का एक साथ अकाउंट्स बनाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तब हमें जो हमारे जो डिटेल्स हैं, जो आंकड़े, वो क्या नहीं हो पाएंगे, अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इस वजह से इसकी क्या की गई है, टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है कि एक जो कंपनी मान लो, बिजनेस मान लो, कुछ भी मान लो, उनका एक टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है, उन्हीं को फॉलो कर कर उन्हें क्या करना है, इतने पीरियड के लिए क्या बनाने, उनको अकाउंट्स बंद करने ही पड़ेंगे। तो वो दो अवधि बनाई गई है, एक तो कैलेंडर अवधि बताई गई है और एक कौन सी अवधि, फाइनेंशियल। तो एक तो वित्तीय अवधि हो गई और एक कैलेंडर अवधि हो गई। कैलेंडर अवधि तो आपको पता ही होगा, 1 जनवरी से कितनी, 31 दिसंबर तक चलती है, जबकि जो फाइनेंशियल अवधि है वो कब से कब तक चलती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलती है। ये अवधि बना रखी है, इन्हीं को फॉलो कर कर क्या किए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इनको अवधि वैसे 12th मंथ की मानी जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, 15 माह तक भी इसको क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन 15 माह से अधिक के लिए क्या नहीं कर सकते हम, इसको नहीं बढ़ा पाएंगे, और इसको हमें इतने समय के लिए ही बनाना पड़ेगा। तो जो अवधि बनाई गई है उनको फॉलो करने के लिए तो बनाई गई है, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो इसीलिए इसको बनाया गया है। इसी के आधार पर क्या किया जाता है, उन अकाउंट्स को बनाया जाता है, या तो फाइनेंशियल ईयर पर बनाया जाता है, या उनको क्या किया जाता है, कैलेंडर अवधि पर। वैसे तो मोस्टली क्या किया जाते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो फाइनेंशियल जो अवधि होती है उसी पर ही क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है। ये क्या हो गई, हमारी कंसेप्ट पूरी हो गई।
फिर अगली कंसेप्ट की यदि हम बात करें तो अगली कंसेप्ट है वो क्या है, उपार्जन अवधारणा। इसको भी फ्रेंड्स ऐसे नहीं समझाऊंगा मैं, इसको भी मैं क्या समझाऊंगा, एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ही क्या होगी ये ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे सपोज करो मैं एक टीचर हूँ, मैं क्या करता हूँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अब ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनसे पैसे कब लेता हूँ, हर मंथ लेता हूँ। मतलब हर मंथ क्या कर रखी है मैंने, उनकी फ़ीस निर्धारित कर रखी है, तो उसके आधार पे मैं उनके पास से हर मंथ क्या करता हूँ, फ़ीस कलेक्ट करता हूँ। तो मैं पहले तो क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ और फिर जो मंथ के एंड में क्या करता हूँ, उनसे पैसे लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, उस एक मंथ मैंने क्या कर दिया, उनको पढ़ा दिया, एक मंथ पढ़ा दिया। वो मंथ जिस जो मंथ मैंने पढ़ाया ना, पढ़ा तो दिया, मेरा काम था सर्विस देना और अगले व्यक्ति का काम था पैसे देना। मैंने उनको क्या दे दिया, सर्विस दे दी। सर्विस देने के बाद में मेरा तो क्या हो गया, काम ख़त्म हो गया, लाइबिलिटीज जितनी मेरी वो तो क्या हो गई, ख़त्म होगी, बचा कौन, पैसे देने वाला। तो अब उसका दायित्व बचा कि उसको क्या देने हैं, पैसे देने हैं, पैसे देने, दिया है नहीं दिया वो अलग बात है, हमारा दायित्व था केवल उसको पढ़ाना और वो हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो पूरा कर लिया उसी को क्या बोलते हैं, उपार्जन बोलते हैं। पूरा कर लिया हमने हमारे दायित्व को, क्या कर लिया, पूरा कर लिया। सर्विस देनी थी, वो दायित्व था हमारा, हमने क्या कर लिया, उस सर्विस को देकर अपना दायित्व पूरा कर लिया। बचा क्या, पैसे, पैसे प्राप्त हुए या नहीं हुए, इससे हमें क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमने अपनी सर्विस दे दी, हाँ दे दी, तो हम क्या कर लेंगे, उस इनकम को इसके आधार पर, उपार्जन के आधार पर उसको क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। तो यही क्या कहती है, उपार्जन अवधारणा कहती है कि उपार्जन के आधार पर, हमारी सर्विस देने के आधार पर, हमारा कार्य पूरा होने पर हम क्या मान लेंगे, उसको उपार्जित होते ही उसको हम क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, चाहे वो प्राप्त हुई हो या नहीं हुई हो, उसको हम क्या कर लेंगे, उपार्जन के आधार पर उसको क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। तो उपार्जन अवधारणा यही कहती है बस। फिर हम बात करते हैं मिलान की अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट की। मैचिंग कंसेप्ट क्या होती है, सीधी सी बात है, इसके नाम से ही हमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है, मिलान। मिलान करना है, किस चीज़ का मिलान करना है, जो बिजनेस में जो एक्सपेंसेस और जो इनकम है उनका क्या करना है, हमें मिलान करना है, मैचिंग करनी है। तो उनका मैचिंग कर हम क्या करना है, हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना ही क्या कहलाता है, इसके अंदर मिलान की अवधारणा कहलाती है। इसी के आधार पर क्या किया जाता है, जो एक्सपेंसेस और जो इनकम्स है उनका क्या किया जाता है, मिलान किया जाता है, मैच किया जाता है, और उनके आधार पर ही क्या किया जाता है, मिलान करने के बाद में यदि इनकम ज़्यादा है, यदि सपोज करो हमने उन दोनों का क्या किया, मिलान किया, और इनकम है हमारी क्या हुई, ज़्यादा हुई, और जो एक्सपेंसेस है वो क्या हुए, कम हुए, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यदि हमारी एक्सपेंसेस ज़्यादा है और जो इनकम है वो कम है, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी को पता करने के लिए क्या किया जाता है, मिलान की अवधारणा का यूज किया जाता है। तो मिलान की अवधारणा भी मेरे हिसाब से तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आय वसूली अवधारणा की, आय वसूली अवधारणा की, कि आय वसूली अवधारणा क्या होती है। फ्रेंड्स ये एक प्रकार से उपार्जन आधार के आधार पर ही, मान लो उपार्जन आधार पर ही होती है एक प्रकार से ये। कैसे, क्योंकि जब हमने सर्विस दे दी, सर्विस देने के बाद में हमें क्या हो गया, कानूनी अधिकार मिल गया, किस लिए, आय वसूल करने का। यदि वो व्यक्ति यदि आय, वो जो हमारी इनकम है वो नहीं दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर केस वगैरह कर सकते हैं। हमें क्या मिल चुका है, कानूनी अधिकार मिल सकता है, क्योंकि हमने तो हमारी जो सर्विस देनी थी वो हमने तो दे दी, लेकिन अगले व्यक्ति का जो दायित्व था, किसका दायित्व था, उसका दायित्व था कि पैसे देना या कोई वस्तु देना, कोई भी चीज़ मान सकते हो। तो जो पैसे देने का उसका जो अधिक जो दायित्व था वो उसने क्या नहीं किया, पूरा नहीं किया। तो पूरा नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, हमें कानूनी अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में भी जाकर उसके उससे क्या ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। तो यही कंसेप्ट है, वो क्या कहती है, आय वसूली अवधारणा के आधार पर ही हमें क्या मिलता है, कानूनी अधिकार मिलते हैं।
फ्रेंड्स, फिर हम अवधारणाओं में लास्ट अवधारणा की बात करते हैं, वस्तुपरकता की अवधारणा। वस्तुपरकता की अवधारणा क्या होती है? जैसे फ्रेंड्स, मानो कि हम कोई भी लेन देन करते हैं तो उसका कोई ना कोई सबूत तो रखते ही होंगे। मतलब जैसे हमने पेमेंट की तो हम ऐसे तो है नहीं उसको पैसे डायरेक्ट दे देंगे, कुछ रिसिट वगैरह या कुछ भी नोट वगैरह नहीं बनाएंगे। तो वो जो रिसिट वगैरह दी जाती है ना, जो लिखित में जो या वस्तु में मान सकते हो, जो सबूत के रूप में जो चीज़ें होती हैं ना हमारे पास, वही क्या कहलाती है? वस्तुपरकता कहलाती है। मतलब सबूत के रूप में, प्रूफ के रूप में जो वस्तु रखी जाती है वो क्या कहलाती है? वस्तुपरकता के आधार पर जो अवधारणा है उसी के आधार पर वो वस्तु प्रूफ के रूप में रखी जाती है, वही क्या कहलाती है? वस्तुपरकता की अवधारणा कहलाती है। फ्रेंड्स, मैंने अवधारणाओं के बारे में, सभी के बारे में मैंने क्या बता दिया आपको? डिटेल से बता दिया। पृथक अस्तित्व की अवधारणा बता दी, मुद्रा मापन अवधारणा बता दी, लागत अवधारणा बता दी, द्विपक्ष अवधारणा बता दी, चालू अवधारणा भी बता दी कि चालू अवधारणा क्या होती है। उस फिर हमने लेखांकन अवधि के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने उपार्जन अवधारणा के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने क्या किया, मिलान की जो अवधारणा है उसके बारे में डिस्कस किया, फिर हमने आय वसूली अवधारणा के बारे में पढ़ा, और फिर हमने वस्तुपरकता की अवधारणा के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे इसकी डिटेल से। अब आपको मैं इसके जो मेरे बनाए हुए जो नोट्स हैं ना वो आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले आपको बताया पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जिसके अंदर मैंने क्या क्या बताया आपको, ये क्या है, व्यापार व व्यापारी दोनों क्या माने जाते हैं? अलग अलग माने जाते हैं, ये बताया मैंने आपको पहले। फिर मैंने आपको बताया व्यापारी अपने व्यक्तिगत लेन देनों को व्यापार की पुस्तकों में नहीं दिखा सकता, ये भी मैंने आपको बता दिया। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो व्यापारी है स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से माल नगद लेता है तो वो देनदार कहलाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर दूसरी कंसेप्ट थी मुद्रा मापन की। मुद्रा मापन में मैंने आपको बताया था कि मुद्रा में मापे जाने वाले लेन देनों का लेखा ही क्या कहलाता है? मुद्रा मापन अवधारणा कहलाती है, ठीक है, ये मैंने आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा में मैंने क्या क्या बताया, ये बताया कि जो स्थायी संपत्ति है, स्थायी संपत्तियों का लेखा किस पे किया जाता है? लागत मूल्य पे किया जाता है, ये मैंने बता दिया। अब लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस भाड़ा, और जो स्थापना, जो कंपनी में जो स्थापित करनी है वो असेट्स, उसको स्थापित करने तक जो एक्सपेंसेस हमने किए ना, वो सभी के सभी क्या होंगे? लागत में सम्मिलित होंगे, तो ये लागत मूल्य हो गया। फिर मैंने द्विपक्ष अवधारणा बताई आपको। द्विपक्ष में क्या बताया मैंने? बताया कि सभी व्यवहार एवं लेन देन के क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। फिर मैंने आपको लेखांकन समीकरण के बारे में बताया। लेखांकन समीकरण क्या होती है? लेखांकन समीकरण क्या होती है फ्रेंड्स? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये क्या होती है? लेखांकन समीकरण होती। मैंने इसके बारे में भी आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। फिर हम बात करते थे की थी हमने जो चालू अवधारणा निरंतरता की अवधारणा, उसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि जो व्यवसाय है वो क्या होता है? अनिश्चित काल के लिए होता है। संपत्तियों दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। संपत्तियां इसके अंदर दो भाग होती है, स्थायी संपत्ति होती है और चालू संपत्तियां होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, साथ साथ में आप क्या करते रहना, इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना, और साथ में आप नोट्स भी तैयार करते रहना, क्योंकि मैंने एक एक पूरी डिटेल्स से इनको समझाया। इतने शॉर्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने एक एक चीज़ को पढ़कर क्या किया, आपके लिए इतने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो इनको ज़रूर उतार लेना स्क्रीनशॉट लेकर, और इनको साथ साथ में क्या करते रहना, रिवाइज भी करते रहना, जिससे कि ये याद रह सके। वरना ये मेरे लेक्चर को देखने के बाद या किसी के भी लेक्चर को देखने के बाद वो ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता लेक्चर देखने के बाद, तब तक जब तक हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो याद नहीं रहेगा ज़्यादा समय तक, तो इसलिए उसको रिवाइज करते रहना।
फिर मैंने आपको बताया था कि स्थायी संपत्तियाँ उनको खरीदा जाता है ना कि किराए पर लिया जाता है, वो कंसेप्ट हो गई थी हमारी। फिर लेखांकन अवधि के बारे में बता दिया था मैंने, 12 माह वर्ष और 15 माह वर्ष, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैंने बताया था आपको उपार्जन अवधारणा के बारे में, उपार्जन अवधारणा क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उपार्जित होने पर चाहे नगद प्राप्त हो या नहीं हो उनका लेखा होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। मिलान में मैंने बता ही दिया था कि दोनों का क्या किया जाता है, मिलान किया जाता है, ज़्यादा होगी प्रॉफिट हो जाएगा, इनकम ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम हुई तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो ये लाभ हानि की गणना के लिए हो गया, समायोजन के लिए हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया था आय वसूली अवधारणा, आय वसूली अवधारणा में मैंने क्या बताया था कि हमें क्या मिल जाता है, कानूनी अधिकार मिल जाता है जिससे कि हम क्या जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर भी हम क्या कर सकते हैं, पैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। फिर वस्तुपरकता की अवधारणा बताई थी जिसके अंदर व्यक्तिगत नहीं होते, वस्तु साक्ष्यों के रूप में क्या रखे जाते हैं, स्रोत प्रलेख बनाए जाते हैं, तो वो इसके अंदर आ गया, इनका इसका आप क्या करें ना स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया। चलो फिर आगे चलते हैं, फिर अपन अब हम बात करते हैं आगे लेखांकन परंपराओं की। अब हम बात करते हैं लेखांकन परंपराओं की। फ्रेंड्स, लेखांकन की यदि हम परंपराओं की यदि हम बात करें तो लेखांकन परंपराओं में 4 पॉइंट्स आते हैं, 4 परंपराएं बताई गई हैं। पहली एक रूपता की परंपरा, दूसरी पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, तीसरी रूढ़िवादिता की परंपरा और चौथी महत्वता की परंपरा। फ्रेंड्स, इनके बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि मैं अभी भी इनके बारे में बताने लग जाऊंगा तो हमारा जो लेक्चर है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं इस के बारे में परंपराओं के बारे में अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ भी समझ में आया है इसमें तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बता देना, और जिनको भी इस लेक्चर की ज़रूरत है उन तक इस लेक्चर को अवश्य पहुंचा देना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं कल।